सिंदूर सोहे मूछ पीतवारे जय करी सुजीवा मत जति पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मीरा लड़ुअन के भोग लगन संत करें सीमा जय गरी सुदेवा माता जति पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देत कौड़न को पाया बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गरी सुदेवा माता जति पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो संभूत सुगारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारे जय माता जी पार्वती महादेवा श्याम शरण आई सफल की जीवा जय गणेश देवा माता जी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा शरण आई सफल की जीवा बाद में कर लेने आप भोग लगाओ ना दवा की आसन कर लीजिए बेटा ऐसे दिखा दीजिए कर्पूर लेफ्ट हाथ में पकड़िए कर्पूर गौरम प्रणामितारम संसार सारम गजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदारविन्दे भवम भवानी शैतम नमामि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव दूत सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च तृणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देवा बोलो सिद्धि विनायक गणपति महाराज की जय भोलेनाथ शंकर भगवान की जय अम्बे मात की जय हनुमान जी महाराज की जय सतगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय पार्वती पते हर हर महादेव गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक मोरया मंगल मूर्ति मोरया उन्दीर मामा की जय मंदिर में आप दिखा हाँ दिखा दीजिए सब जगह दिखा दीजिए आगमन हो चुका है और ऐसे में आंचल के घर पे भी बप्पा पधारे हैं। आइए जानते हैं आंचल से आंचल पहली आरती हो गई है जो उनका मुख है वो खोल दिया गया है। बिल्कुल आई एम वेरी इमोशनल। मुझे ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा है बिकॉज हम पहले गणपति बप्पा लाते थे फिर अभी कुछ सालों बाद फिर हमारे घर पे गणपति बप्पा आए और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे घर पे आए एंड बहुत क्यूट से बाल गणेश है और इन्हें देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई। जैसे इनका मुख खुला मैंने ना ऑब्वियसली हम बुक करने तो गए थे लेकिन अब जब इनको मुख खुल के देखा तो मतलब ऐसे था कि ये मनमोहक हो गए हम सारे। सो बस इनको किसी की नज़र ना लगे तू ऐसे में हम देख सकते हैं कि बाल गणेश आए हैं आपके घर पे। किस तरह से तैयारी रही है और क्या इस बार डेकोरेशन में रहा है? अरे बहुत मतलब हम तो ऐसे एक दो महीने मैं तो एक महीने से एक्साइटेड थी कि हमारे घर पे गणपति बप्पा आ रहे। पूरे आई थिंक मैं जहाँ पूरे सेट को पता है परिणीति के सब लोग को पता है कि आंचल के घर पे गणपति बप्पा आ रहे सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये सब मम्मा पापा और दीदी ने किया। मेरी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन मम्मा पापा और दीदी की है। सो हमने एक बहुत ही क्यूट सा डेकोरेशन करने की कोशिश की है एंड या ये बाल गणेश है तो बहुत ऐसे मिनिमलिस्टिक चीज़ है लेकिन थोड़ी सी कोकी और थोड़ी सी मॉडर्न भी विद ऑथेंटिसिटी। सो ऐसे में क्या भोग लगाने वाली हैं आज इन्हें किस तरह से प्रसन्न करेंगी? उनकी फेवरेट मोदक रखी हुई है यहाँ पे और मम्मा बहुत कुछ बनाने वाले हैं। अभी तो सिर्फ सुबह की आरती हुई है अभी तो भोग लगना बाकी है फिर और दो दिन बाकी है तो बहुत कुछ ये खाने वाले हैं। एंड ऑल्सो गणपति बप्पा को खाना बहुत पसंद है। वी ऑल नो अगर हमने सबने लिटिल गणेशा देखा है तो आपको पता है कि वो कितना उनको पसंद है सब खाना। सो या
हम जो कुछ भी खाएंगे सब पहले उनको चढ़ाएंगे और फिर हम ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में बप्पा घर पे है तो एक बप्पा के लिए एक छोटा सा डांस तो हो ही जाए स्वागत में। डांस तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस इतना बोल सकती हूँ गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए हम तो लेकर आते हैं आपके लिए रोज़ाना 24/7 एंटरटेनमेंट और नाम है सास बहू और बेटियाँ।